आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गर्भवती महिला के साथ शनिवार सुबह हुए वाहन हादसे के बाद विधायक सचिन बिरला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही दोषी नगर पालिका कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की। महिला के परिजन ने भी रविवार दोपहर करीब 2 बजे बड़वाहा थाने पर थाना प्रभारी के नाम लिखा शिकायती आवेदन SDOP मान सिंह ठाकुर को सौंपा। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर बड़वाहा से पूरी खबर। विधायक ने की दुर्घटना में मृत महिला के परिवार से भेंट, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। परिवार ने आवेदन देकर कहा कि मास्क की चालानी कार्रवाई में शामिल नगर पालिका के कर्मचारियों पर हो उचित कार्रवाई। मृतक महिला के परिजनों ने SDOP को सौंपा शिकायती आवेदन। SDM और SDOP ने परिवार सदस्यों को दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित काटकूट फाटे पर शनिवार सुबह एक कंटेनर वाहन की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला और जन्म लेने वाले बच्चे की मौत हुई। इस घटना के दौरान क्षेत्रवासियों ने इस घटना का कारण नगर पालिका द्वारा मास्क की चालानी कार्रवाई के दौरान होने वाली गतिविधि को दर्शाया, जिसके बाद रविवार सुबह करीब 11 बजे क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला मृतक महिला के परिजनों से मिलने ग्राम कदवालिया पहुंचे, जहां परिजनों ने विधायक बिरला को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा चलानी कार्रवाई के दौरान महिला के वाहन को डंडा अड़ाकर रोकने की बात कही, जिसके कारण दोपहिया वाहन असंतुलित हुआ और महिला वाहन से गिरकर कंटेनर वाहन की चपेट में आ गई। आपको बता दें, विधायक सहित अन्य परिवार सदस्य बड़वाहा थाने पहुंचे, जहां परिजनों ने एक शिकायती आवेदन दिया, जिसके आधार पर परिवार सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा विगत कई माह से पंचायत क्षेत्र में मास्क की अवैध तरीके से चलानी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका को पंचायत क्षेत्र में चलानी कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं, उसके बावजूद कर्मचारी काटकूट फाटे पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। परिजनों ने आवेदन के आधार पर नगरपालिका कर्मचारी अनिल जायसवाल और उनके अन्य साथियों पर अवैध तरीके से चालानी कार्रवाई कर लठ अड़ाकर वाहन रोकने का आरोप लगाया, जिसके कारण शनिवार को भी मृतक महिला के वाहन को लठ अड़ाकर रोकने का प्रयास किया गया, जिसके कारण महिला का वाहन असंतुलित हुआ और महिला वाहन की चपेट में आ गई। परिवार सदस्यों ने मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की, जबकि विधायक सचिन बिरला ने दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होने की दशा में चक्का जाम जैसे आंदोलन करने की बात कही। बता दें, SDOP मान सिंह ठाकुर ने चालानी कार्रवाई में शामिल नगर पालिका कर्मचारियों की जांच करवा कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का परिवार सदस्यों को आश्वासन दिया है। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। अरे एक मिनट भैया, बताएं ये आज काय के लिए आवेदन दिया? ये जो कल 31 तारीख को काटकूट फाटे पर एक विभत्स घटना हुई है, हमारे गांव की एक गर्भवती महिला जो कंटेनर की चपेट में आई है, उसमें मुख्यतः लापरवाही नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जो अवैध वसूली की जाती है मास्क के नाम पर, उसकी वजह से घटना है। जैसे आज हमारे संज्ञान में आए, तो आज हमने आकर के थाना प्रभारी महोदय को, माननीय SDM साहब को और माननीय विधायक महोदय सबको अवगत करवाया और एक कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है कि नगर पालिका द्वारा जो वहाँ पर बाउंसर बिठाए जाकर के क्षेत्रवासियों को रोज मास्क के नाम पर परेशान किया जाता है और रोज जबरदस्ती चालानी कार्रवाई की जाती है। जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता, उनसे कुछ भी तरीके से अनाज बेचने तक की घटना भी हमारे सामने आई है और बेवजह लोगों को मारा पीटा जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, उसकी वजह से अनियंत्रित होकर के वहाँ से लड़के निकलते हैं, मतलब जो भी गाड़ी चालक तेज गति से निकलने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। तो कल जो दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना पूरे क्षेत्र को हिलाने वाली रही है, इसमें मुख्यतः नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग की? ज्ञापन के माध्यम से हमने वही मांग की है कि नफा द्वारा जो कर्मचारी को भेजा जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से यह घटना घटी है। हृदय विदारक घटना थी। हमारे कदवालिया की बहन जो गर्भवती थी, जिसके पेट में 8 माह का बच्चा वो गर्भ धारण किए हुए थी, अस्पताल भी आ रही थी और घर की सामग्री खरीदने भी आ रही थी। जैसे ही वो लोग काटकूट फाटे पर आए, नगर पालिका के 5 लोग, जिनका नेतृत्व नगर पालिका कर्मचारी जायसवाल, अनिल जायसवाल, जो कि उनके ही परिवार के साथी जो नगर पालिका में है, क्या नाम है, धर्मेंद्र कैलाश जायसवाल, उनके कहने पर वहां पर वसूली करने गए हुए थे और जब वहां से बाइक गुजरने को हुई तो उन्होंने डंडा दिखाकर उस बाइक को रोकने की कोशिश की, जिसके ऊपर हमारी बहन और एक उनके परिवार का भाई बैठा हुआ था। और जैसे ही बाइक आगे आई तो जायसवाल के आदमियों ने, जो नगर पालिका का अपने आप को कर्मचारी बताते हैं, उन्होंने डंडे से उसके पीछे भागकर बाइक को रोकने की कोशिश की। हड़बड़ाहट में, चूंकि वहां पर मोड़ था, हड़बड़ाहट में महिला ट्रक के नीचे आ गई और उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी गर्भपात होने के कारण रोड पर आ गया। ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उसी के
कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज यहाँ थाने पर आए हैं। कल कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही बात हमने SDO साहब के संज्ञान में डाली, वही SDM साहब को बताई है, आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हमारी दलित बहन थी, एक गरीब परिवार की बहन थी, उसको न्याय मिले इसके लिए हम चक्का जाम भी कर देंगे, रोड भी रोकेंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। और मुआवजे के नाम पर अभी संबल की जो योजना चल रही उससे वो अभी SDM साहब से बात हुई, 4 लाख बता रहे हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा कि आप बहन बेटियों की बहुत बातें करते हैं, तो एक बहन जो हमारे यहाँ शासन के कर्मचारी नुमाइंदों के कारण मौत के ग्रास में चली गई, उसको आप क्या पैसा दे रहे हैं, कैसे न्याय करेंगे आप बताएं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिवराज सिंह जी से बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एक ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया किस मामले में? कल 11 बजे काटकूट फाटे पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, उसमें पुलिस द्वारा FIR की गई है। इनका ये कहना था कि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा मास्क की कार्रवाई जो की जा रही थी और कोई उसमें इनको रोका था और उसी दौरान इनकी घटना हुई, उसकी लापरवाही से होना बताया, इस बाबत इन्होंने आवेदन दिया है। क्या कार्रवाई? उनको आश्वासन दिया है कि जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।